आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर नानोता के दीनदारपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में ट्रक आ जाने से चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों का कहना है कि इससे पूर्व भी इस हाई टेंशन लाइन तार से लोग कई बार बच चुके हैं, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी गुस्सा बना हुआ है, मगर प्रशासन इसकी तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। प्रदेश के बाजारों से पूरी तरह से लॉकडाउन हटाने, साप्ताहिक बंदी को पुरानी व्यवस्था के अनुसार करने की मांग को लेकर सहारनपुर में व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम नारंग के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन ऑनलाइन भेजा और पुरानी व्यवस्था लागू कराने की मांग की। उन्हें लेकर आज हमने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख ऑनलाइन प्रेषित की है। क्या मांग किया उसमें? हमारा मुख्यमंत्री जी से ये कहना है, मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के केस अब नए के बराबर है, और जो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आज के इस ज्ञापन में जिस प्रकार हमने मुख्यमंत्री जी को लॉकडाउन से मुक्त करने के लिए कहा है, और जो दो दिन का लॉकडाउन था उसे भी खत्म करें, और साप्ताहिक बंदी पूर्व में जिस जनपद में जिस प्रकार की साप्ताहिक बंदी थी, जैसे सहारनपुर में मंगलवार, मुजफ्फरनगर में मंगलवार, मेरठ में इतवार, लखनऊ में इतवार, जहाँ जिस दिन थी उसी दिन की लॉकडाउन लगाना चाहे एक दिन का वो भी लगाएं, हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी अब बिल्कुल आपके एडी पंचायत एवं सचिव पर लाखों रुपए हजम करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पूर्व जिला महामंत्री व प्रधान संजय वालिया ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात की और मामले की जांच कराकर आरोपियों पर कार्रवाई व फर्म परवीन ट्रेडर्स के रुपए वापस दिलवाए जाने की मांग की। साहब से मिले और उन्हें ज्ञापन देने का काम करा, जिसे ब्लॉक मुआवजा के एडीओ पंचायत कौनपाल जी और वहाँ के कई ग्रामों के ग्राम सचिव अजय सिंह जी के द्वारा परवीन ट्रेडर्स एक कंपनी है जिसके द्वारा कई गांवों में 57 लाख रुपए का काम कराया गया, लेकिन काम खुलने के बाद परवीन कुमार ट्रेडर्स को ठेंगा दिखा दिया गया, उन्हें पैसा नहीं दिया गया और उन्होंने पैसा मांगने का काम भी किया, उनसे मारपीट करने का काम किया। हद यही नहीं होती, उनसे 32% कमीशन मांगने का भी काम किया गया कि अगर 32% आप कमीशन दोगे तो पैसा मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। आज स्थिति ये हो गई है, प्रवीण कुमार ट्रेडर्स के मालिक आज सरफास खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिन लोगों का पैसा देकर उन्होंने काम किया था वो पैसा उनका वापस जाने का काम नहीं हो रहा है, इसलिए घर पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। और ए के सिंह जी तो ग्राम सचिव और कंवरपाल जी जिन्होंने काम करवाने का काम किया, प्रशासक थे 3 महीने इस बीच में, प्रशासक के टाइम के ये सब काम है, स्कूलों में जो कराए गए कायाकल्प के वो उसका सारा पैसा आज हड़प करने का काम कर दिया गया है। हमने अपनी बात सीडीओ साहब से रखी कि जल्द से जल्द इनका पैसा इन्हें दिलवाया जाए, और जो इनका पैसा दूसरे लोगों के खातों में पहुंचाकर फुर्दबूत कर दिया गया है वो वापसी किया जाए और इन अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम किया। बिहार में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने के विरोध में
सहारनपुर में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने जिला अध्यक्ष साधुराम के नेतृत्व में एक ज्ञापन उप जिला अधिकारी को सौंपते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति जिला अध्यक्ष आज राष्ट्रपति को नाम जो ज्ञापन दिया गया जिला अधिकारी के माध्यम से दिया, वो बिहार में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर अलवर गांव में जो औरंगाबाद जो 70 किलोमीटर दूर से पटना से दूर पड़ता है बिहार में, उसको लेकर के सभी संगठन सभी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के इस पर रोष व्यक्त है। उसको सरकार से मांग है कि अब उसको तुरंत वहां से लगाया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी धन्यवाद। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज में सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।